एसडीएम ज्योति मौर्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया गया है उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य की तरफ से कि एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य ने उन्हें धोखा दिया, वह किसी और के संपर्क में आ गई। दरअसल उनका कहना रहा है कि महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर चल रहा है। ऐसे में ज्योति मौर्य ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी और प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त के दिन होने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर निलंबन की तलवार लटक रही है ना सिर्फ ज्योति मौर्य पर बल्कि मनीष दुबे पर भी। और इसी बीच देखा जाए मनीष दुबे को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं Next9 News। दरअसल आपको बता दें कि ज्योति मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर तमाम आरोप लगाए हैं, दहेज का भी यहाँ पर आरोप लगाया है कि वह दहेज मांगा करते थे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मनीष दुबे पर निलंबन की तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के इस रिश्ते से समाज पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो मनीष दुबे को आखिरकार निलंबित किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच मनीष दुबे शादीशुदा है, ये बेहद बड़ा खुलासा कुछ दिन पहले ही हो चुका है। लेकिन अब मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर को लेकर तमाम राज भी खुल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तनु पराशर ने आलोक मौर्य से बातचीत की। उनका कहना रहा कि मनीष दुबे अच्छे इंसान नहीं है, उन्हें पहले से ही पता था कि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का अफेयर चल रहा है। इसी वजह से शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया। मनीष दुबे का महिलाओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो तनु पराशर लगातार यहां पर और भी राज खोलती हुई नजर आई। लेकिन तनु पराशर को लेकर भी तमाम राज खुल रहे हैं। जानकारी दे दें कि 5 अगस्त 2021 में मनीष दुबे तनु पराशर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। ये एक लव मैरिज थी और आज देखा जाए लव मैरिज टूटने की कगार पर है, तलाक तक ये बात पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि 5 अगस्त के दिन आर्य समाज मंदिर में जाकर मनीष दुबे तनु के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। तनु पराशर और मनीष दुबे आर्य समाज मंदिर में 2021 में शादी किए थे। आर्य समाज मंदिर की तरफ से जो उपलब्ध कराए गए हैं दस्तावेज, इनके मुताबिक सामने आया है कि शादी के वक्त मनीष दुबे ने अपनी CBSE बोर्ड की साल 2003 की मार्कशीट यहां पर लगाई थी, फोटोकॉपी इसकी लगाई गई थी। और तनु पराशर जो उनकी पत्नी है, उन्होंने यहां के दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि दो तरह लिखवाई थी, एक आधार कार्ड के मुताबिक, दूसरी उनकी असल जन्मतिथि है। तनु पराशर ने अपनी पहली जन्मतिथि जो लिखवाई वो 1 जनवरी 1990 है आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पर ये सामने आया। लेकिन दूसरी जन्मतिथि उनकी रही 2 अक्टूबर 1989। दूसरी ही तरफ मनीष दुबे ने सिर्फ एक ही जन्मतिथि लिखवाई जो उनके आधार कार्ड के मुताबिक है 23 सितंबर 1989। मनीष दुबे की तरफ से एक शपथ पत्र भी दिया गया और ये शपथ पत्र 5 अगस्त 2021 का है, जिसमें लिखा गया कि वह लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है और ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो रही है। आर्य समाज मंदिर की तरफ से भी यहां पर गवाह प्रस्तुत जो यहां पर किए गए, आपको बता दें कि मनीष दुबे की तरफ से एक गवाह यहां पर शादी के दौरान मौजूद रहा, तो वहीं दूसरी ही तरफ तनु पराशर की तरफ से भी एक गवाह को प्रस्तुत किया गया। वहीं आपको बता दें कि वकील संतोष मिश्रा के मुताबिक सामने आया है कि मनीष दुबे की शादी यहीं पर पूरे रीति रिवाज के साथ तनु पराशर के साथ हुई थी। आर्य समाज मंदिर में मनीष दुबे की शादी से जुड़ी तस्वीरें भी लगी हैं। तनु पराशर की वह मांग भरते हुए देखे जा रहे हैं और ये तस्वीरें और ये दस्तावेज अब लगातार मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं मनीष दुबे की। पति आलोक कुमार पर आरोप लगाया गया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए पति आलोक कुमार पर जो आरोप लगाया गया ज्योति मौर्य की तरफ से, और ऐसे में यहाँ पर अब मनीष दुबे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मनीष दुबे पर पहले से ही 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब तनु पराशर भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ज्योति मौर्य उनके साथ जिंदगी बिताने का दावा कर रही हैं। लेकिन अब देखा जाए योगी सरकार के नेतृत्व में क्या वाकई में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को बर्खास्त किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर तलाक तक बात पहुंच चुकी है मनीष दुबे और तनु पराशर की शादी की भी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next9 News।